हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम वापस से बात करेंगे अपने हेयर के ऊपर। जो मेरा हेयर का ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर बत्रा के पास, उसका जो अपडेट है, स्टेटस है अभी मेरे बालों का, वो मैं बताऊंगा वापस से, उसका फीडबैक दूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा बाल अभी कितना कंट्रोल में है और कैसा स्थिति है। सो आज फिर से बात करूंगा। पिछले 15-20 दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला है अपने हेयर के ऊपर, तो आज मैं वापस से आपको अपना अपडेट दूंगा, कैसा है, नहीं है, जो भी है। सो चलो बात करते हैं इस पे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो हेयर फॉल है ये अभी भी कंट्रोल में है, अभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है और बाल जो है काफी हद तक गिरना कम हो गया है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मेरा हेयर फॉल काफी हद तक कंट्रोल हो गया है और मैंने ऐसे ही आपको दिखाया भी था कि मेरा बाल नहीं आ रहा है। और आज वापस मैं बताना चाहूंगा कि मेरा बाल काफी हद तक कंट्रोल में है और मुझे अब ऐसा फील आ रहा है कि मेरा जो ट्रीटमेंट था काफी लंबा ट्रीटमेंट होने के बाद, अब उसका जो रिजल्ट है वो दिखना शुरू हो चुका है और उसका इम्प्रूवमेंट डे बाई डे होना चालू हो गया है। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि मेरा जो हेयर फॉल है वो काफी हद तक कंट्रोल में है, काफी हद तक गिरना कम हो गया है। पहले जो मैं नहाता था तो शैम्पू करता था तो काफी हद तक बाल आते थे हाथों में, जिस वजह से मुझे डर लगता था कि हाँ मैं शैम्पू करूंगा इतने सारे बाल आ रहे तो काफी स्ट्रेस में मैं आ जाता था। बट अभी ऐसा स्थिति नहीं है, अभी मैं बिंदास शैम्पू करता हूँ एक दिन दो दिन गैप करके। ऐसा नहीं कि बाल नहीं आते, दो चार तो आना ही है, तो जितना मतलब नॉर्मल जैसे आता है उतना आता है, बाकी काफी हद तक गिरना कम हो गया है। पहले तो अगर शैम्पू लगा लिया तो हाथ में भर जाते थे और फिर जब पानी डालो तो वापस से नीचे। सो ये स्थिति खत्म हो चुका है बिल्कुल भी, अभी मुझे लगता है नॉर्मल जैसे हेयर फॉल होते हैं, जो उस तरह से मेरा हेयर फॉल होता है। अब ये देखना है कि आगे कब तक ऐसा रहता है, क्या मैं, क्योंकि मेरा जो ट्रीटमेंट है एक साल का है और अभी एक साल हुआ नहीं है, 7 महीना ही हुआ अभी, तो दवा तो मैं कंटिन्यू लूंगा, एक साल तक मुझे लेना है, डॉक्टर जैसा बोलेगा वैसा मैं करूंगा। बट एक साल का मेरा जो कोर्स है एक साल का है, सो देखते हैं क्या होता है। बट अभी तो कंट्रोल हो गया है, आगे ऐसे ही इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और जो काफी हद तक कंट्रोल में है और कंट्रोल होना चाहिए, मतलब 95% कंट्रोल में आ जाना चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ। क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला था मुझे कि 100% तो किसी का भी कंट्रोल में नहीं आता है, ये सोचेगा कोई भी कि हाँ नहाऊंगा या फिर तेल लगाऊंगा ऐसा कुछ, तो एक भी बाल मेरे सर से ना है ऐसा किसी का भी नहीं होता है। जिसका हेयर फॉल नहीं होता है उसका भी ऐसा नहीं है, उसका भी एक दो तो आता ही है, तो वैसा वो तो मुझे भी पता है, उससे सब लोगों को पता है कि हाँ वैसा एक दो बाल आएंगे तो उसका कोई इश्यू नहीं है। बट जिस तरह से बाल लगता है कि मेरा हेयर फॉल हो रहे हैं, जो फीलिंग आती है कि मेरा बाल गिर रहा है टूट रहा है, उस तरह का अब नहीं है वैसा। अब मतलब कि मेरा जो थिंकिंग था कि मेरा ठीक नहीं होगा वैसा अब नहीं है, ठीक होना शुरू हो चुका है बिल्कुल, काफी हद तक ठीक होना शुरू हो चुका है। और जो दवा डॉक्टर ने दिया है वो मैं कंटिन्यू ले रहा हूँ और उसको रेगुलर खा रहा हूँ। और जो न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिशन मैं दोस्तों बता दूं आपको, डॉक्टर ने मुझे बोला है कंटिन्यू आपको लेना है न्यूट्रिशन, बट मैं अभी तक सिर्फ एक ही बार मंगाया था बीच में, उसके बाद नहीं मंगाया, तो वो जो पॉकेट था खत्म होने के बाद दूसरा बार नहीं मंगाया, बट उसको मैं जरूर मंगाऊंगा। वो खाते रहना चाहिए कंटिन्यू, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, बिना न्यूट्रिशन का आपका हेयर फॉल कंट्रोल में नहीं आएगा। तो वो मैं न्यूट्रिशन ले रहा था बट बीच में थोड़ा सा स्किप कर दिया हूँ, नहीं मंगाया है, बट उसको बहुत ही जल्द मैं मंगाने वाला हूँ। सो गाइस, दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि मेरा डैंड्रफ कैसा है। डैंड्रफ के वजह से ही मेरा बाल गिर रहा था, मतलब मेरा जहां तक ऑब्जर्वेशन था कि डैंड्रफ की वजह से ही मेरा हेयर फॉल हो रहा है। और मैंने डॉक्टर को बोला भी था कि मेरा जो बाल गिर रहा है उसका जो मेजर इश्यू है वो ये है कि मेरा डैंड्रफ, तो आप फोकस करो कि डैंड्रफ कैसे खत्म किया जाए। तो डॉक्टर ने भी बोला कि हाँ डैंड्रफ तो आपका बहुत है और डैंड्रफ में इम्प्रूवमेंट आना शुरू भी हो गया था। जो पाउडर दिया था डॉक्टर ने कि पाउडर को दही में डाल के लगाना है, वो भी मैं लगाता रहता हूँ बीच बीच में, पहले एक हफ्ते पे लगाना था बट मैं अभी एक हफ्ते पे नहीं लगा रहा हूँ, वो भी मैं 15 दिन पे ही लगाता हूँ, 15-20 दिन भी हो जाता है तो एक बार लगाता हूँ। बट जो मेडिसिन है, जो होम्योपैथिक दवा है, वो मैं कंटिन्यू लेता हूँ, उसको मैं स्किप नहीं करता बिल्कुल भी। जो भी खाने का टाइमिंग है सुबह में और शाम में वो मैं कंटिन्यू लेता हूँ, उसको मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करता या फिर उसको मैं इग्नोर नहीं करता, वो मैं कंटिन्यू ले रहा हूँ। और जो न्यूट्रिशन है वो भी कंटिन्यू ले रहा था बीच में, बट अभी मैं थोड़ा बीच में स्किप कर दिया हूँ, खत्म हो गया तो मैंने मंगाया नहीं, बट बहुत ही जल्द मैं मंगाऊंगा। सो ये है स्टेटस अभी तक का। और आपको मैं वापस से दिखा देता हूँ एक बार बाल को अपना, कि मेरा बाल अभी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। सो ये देखो दोस्तों, अगर मैं ऐसे करूँगा तो देखो सिर्फ एक बाल आया है ऐसे। और अगर मैं पहले ऐसे करता था, पहले अगर मैंने दिखाया भी था, पहले अगर मैं ऐसे करता था तो पूरा हाथ में आते थे और नीचे भी गिरते थे, बट अब ऐसा स्थिति नहीं है, अब मैं आराम से ऐसे करता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। और ऐसे करने के बाद भी आपको बाल
नहीं दिखेगा कि एक भी मेरे हाथ में आया है, बिल्कुल भी नहीं आया है, एक दो आया बस, उससे ज्यादा नहीं आया। मुझे लगता है एक्चुअल में अब जो मेडिसिन है वो काम करना शुरू कर चुका है, और एक्चुअल में मेरा जो इतने दिनों का जो संघर्ष था दवा खाने का, और एक दिमाग में बैठ गया था निगेटिविटी कि हाँ खा तो रहा हूँ बट ठीक होगा कि नहीं पता नहीं, और बीच में रिजल्ट नहीं दिख रहा था तो मुझे लगा शायद ठीक ना हो, बट मैंने सोचा था कि जब तक पूरा नहीं खाऊंगा, कोर्स पूरा नहीं करूंगा, तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो मुझे लगता है अब इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो चुका है, और आगे जैसा भी रहेगा मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस, बहुत जल्द मैं डॉक्टर से मिलने वाला भी हूँ, बहुत जल्द मैं जाने वाला हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट का समय आ चुका है, आजकल में ही मैं जाऊंगा डॉक्टर से मिलने के लिए, और जो भी फीडबैक है पिछले 1 महीने का वो मैं बताऊंगा कि अभी कैसा मेरा हेयर, अभी कितना कंट्रोल में है और इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा डॉक्टर को। वो पूछती है कि हाँ आई बताओ कैसा है नहीं है, और चेक भी करती है खुद से। सो दोस्तों, जो लोग नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दूं कि मेरा हेयर फॉल का ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर बत्रा क्लिनिक में, होम्योपैथिक मेडिसिन। सो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। सो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और फिलहाल के लिए इतना ही, और मैं बहुत जल्द जाने वाला हूँ अपॉइंटमेंट लेके, और मिलूंगा, और जैसा भी होगा मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।